बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक ईफर के हवाले से गया है, लेकिन ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है दो वजूहात की बिना पर। एक तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो फार्मर्स बहुत ज्यादा पूछते हैं, टिपिकली उन एक्सपर्ट से जो उन्हें सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं रिप्रोडक्शन में या न्यूट्रिशन में या फार्म मैनेजमेंट के हवाले से। और क्वेश्चन दूसरा ये एक ऐसे एक्सपर्ट के तौर पे मेरे ख्याल में हम लोगों को वैसे जनरली आइडिया तो होता है, लेकिन इसकी कोई बेसिस ऑफ कैलकुलेशंस भी है। ये चीज जो है ये आप समझ लें कि अभी तक बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पब्लिकली इसको कैलकुलेशंस को यूज नहीं किया जाता। बेसिकली कैलकुलेशन है, और क्वेश्चन ये है जो फार्मर पूछता है कि मुझे कितने एनिमल्स या कितनी हीफर्स चाहिए हर साल ताकि मैं अपने ब्रीडिंग हर्ड अपने एनिमल के फार्म को जो है वो मेंटेन रख सकूं या उसको ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकूं, तो उसके लिए कितने एनिमल्स चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है इसके लिए जो हमने रिव्यू किया उसमें देखा कि बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर मुख्तलिफ इक्वेशंस जो है वो डिराइव की हुई है जिनकी बेसिस के ऊपर आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं जो इक्वेशन प्रेजेंट करने लगा हूँ आप लोगों को, ये इसकी मैंने एक्सेल के ऊपर कैलकुलेशन भी की है, और मैं कोशिश करूंगा कि ये कैलकुलेशन जो है ये आपको अपलोड करके शेयर भी कर दूँ ताकि आप लोग भी इसे कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट शीट। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमें एक हर्ट को चलाने के लिए कितनी हीफर चाहिए मेंटेन रखने के लिए उस हर्ट को। तो यहाँ जो है उसकी इक्वेशन में है, सबसे पहले एनुअल नंबर ऑफ हीफर्स नीडेड पर ईयर टू मेंटेन दैट हर्ड, और ये वेरिएबल्स क्या है इसमें, यानी किन चीजों की वजह से इक्वेशन चेंज होती है। हर्ड साइज, और हर्ड साइज का मतलब ये है कि मिल्किंग एंड ड्राई काउस ओनली, अदर एनिमल्स नहीं इंक्लूड होंगे इसमें। अगर आपने बुल्स रखे हुए तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, मेल काफ्स नहीं होंगे, छोटे एनिमल्स नहीं होंगे। हर्ड साइज का मतलब है सिर्फ मिल्किंग प्लस ड्राई काउ। इसके बाद दूसरा वेरिएबल है एज एट फर्स्ट स्टार्विंग, तीसरा वेरिएबल है कल रेट, और कल रेट का मतलब है कि आपने एडल्ट एनिमल की कमी कितनी की ईयरली बेसिस पे। और उसके बाद नॉन कंप्लीशन रेट, और नॉन कंप्लीशन रेट का मतलब है कि हीफर पैदा हुई, पैदा होने के बाद 48 घंटे तक वो या 48 घंटे से ज्यादा जिंदा रही, और उसके बाद जो है उस हीफर की जो है वो किसी वजह से कालिंग तक में वो उस फॉर्म से आउट हो गई। मिसाल के तौर पे कोई वीनिंग से पहले डेथ हो गई, किसी एनिमल को आपने इसलिए निकाल दिया कि उसका स्ट्रक्चर मैच नहीं कर रहा था, उसकी बॉडी मैच नहीं कर रही थी साइज वगैरह, तो इसे हम नॉन कंप्लीशन रेट कहेंगे। तो ये वेरिएबल है जिसकी बेस के ऊपर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमें हर साल कितनी हीफर चाहिए। तो आइए हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। दो सिमुलेशन है, एक मीडियम फॉर्म की है साइज फॉर्म किया, कमर्शियल फॉर्म है दोनों, और एक कॉर्पोरेट फॉर्म है। मीडियम फॉर्म को पहले देख लेते हैं, उसका हर्ड साइज है वो 200 काउस का है, उसमें मिल्किंग और ड्राई काउस दोनों इन्वॉल्व है, दोनों है। और दूसरा जो है वेरिएबल जो है वो कल रेट है ईयरली बेसिस के ऊपर, यहाँ मैंने कंप्यूट किया है 20%। एजेड फर्स्ट कार्विंग जो है वो 24 मंथ है, यहाँ ये मंथ है बेसिकली एजेड कार्विंग 24 मंथ जो है। तो रेट को मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेट है तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि ये परसेंट है, बट जस्ट है अगर ये कि आपको परसेंट नहीं एंटर करना। नॉन कंप्लीशन रेट फॉर हीफर्स जो है वो मैंने 10% अज्यूम किया है, और आप कह सकते हैं कि ये एक रीजनेबल लिमिट से थोड़ा सा ज्यादा ही है। तो एनिमल एनुअल हीफर्स कितनी चाहिए, तो इस इक्वेशन के मुताबिक हमें ये तकरीबन 44 हीफर्स है। कैसे कैलकुलेट हुई है, हर्ट साइज को मल्टीप्लाई किया है एज एट फर्स्ट कार्विंग मंथ से, पहले एज एट फर्स्ट कार्विंग मंथ को डिवाइड किया हुआ है बेसिकली जो है 24 मंथ, और इसी तरह नॉन कंप्लीशन रेट 1 प्लस नॉन कंप्लीशन रेट है तो उसको भी उस हिसाब से डिवाइड किया हुआ, और कल रेट जो है बेसिकली वो 20% है वो उसके बीच में आ जाता है, या वेरिएबल यहाँ भी उसको ऐड करना शुरू कर सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला, और हम कह सकते हैं कि अगर हमने इस हर्ड को मेंटेन रखना है इस हर्ड साइज को मिल्किंग एंड ड्राई काउस के, तो हमें 20% कलिंग के ऊपर ये 44 हीफर्स।
दिस इज इक्वेशन, अगर वो 2000 एनिमल्स हैं, हर्ड साइज है, तो फिर हमें 440 रुपीज। तो ये अगर आप देखें तो ये इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है, वो ये आ जाती है कि ये जो कल रेट्स हैं, ये अब देखते हैं कि इस इक्वेशन के ऊपर कैसे इफेक्ट करते। तो पहली चीज से बनने वाली ये है कि अगर आप कल रेट बढ़ा देते हैं एडल्ट एनिमल का, मिसाल के तौर पर मैं 40% कर देता हूँ, 88%, तो जितना ज्यादा कल रेट होता देगा उतनी ही मर्सी प्रोपोर्शन है, उतनी ही ज्यादा हीफर्स जो है वो आपको ज्यादा देंगे। इनफैक्ट ये मर्सी नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हायर द कल रेट्स, हायर विल बी द नॉन द हीफर्स डिपार्टमेंट इन दैट हायर। तो ये पहली चीज है। अच्छा, इंटरेस्टिंग, अगर आप इसको थोड़ा सा एक और एंगल से देखें कि कैसे कैलकुलेट हो रहा है, उसकी क्या लॉजिक बनती है, तो देखिए सिंपल सी बात है, आपने 20% एनिमल्स को कल किया, एडल्ट को, तो 40 गए हैं, 200 मल्टीप्लाई बाय 20% 40,000। तो ऑब्वियसली आपको 40 हीफर्स तो कवर करते हैं, 40% को मेंटेन कर सकते। इसमें एक चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि हीफर्स जो होती हैं, दे प्रोड्यूस एक्चुअली 85% ऑफ द मिल्क जो एक एडल्ट काउ प्रोड्यूस करती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने 1:1 जो है वो एडिशन किया तो आपका मिल्क वॉल्यूम वही आ जाएगा वापस। इसका मतलब ये है कि अगर आप एडल्ट एनिमल 20% कल कर रहे हैं तो यू नीड टू हैव अप 5-10% मोर हीफर्स अगेन to have the exact volume अगर आप 20% पे कर रहे हैं। तो ये अगर मैं इसके लिए फैक्टर डालूं तो ये अगर ये 40 होता तो 40 एनिमल्स को बेसिकली लेट्स से 40 एनिमल्स मैंने निकाले थे, तो उसमें उसको 15% में उसका 15% और ऐड करूं तो 6 एनिमल्स बनते हैं। यहाँ देखिए ये 4 एनिमल्स और ऐड हो गए और उसके साथ 6 जो है ये उसके साथ है। तो तकरीबन ये एनिमल जो है ये इतने चाहिए होंगे तो फिर आप जो है वो मिल्क वॉल्यूम को अपने हर्ड के मेंटेन रख सकते हैं। अगर ये कलिंग जो है ये नॉन हेल्प कलिंग है स्पेशली, ये होगी एक बात। दूसरा यानी इसका मतलब ये है कि जितना मैं कलिंग रेट बढ़ाता जाऊंगा उतनी मुझे हीफर ज्यादा चाहिए, जितना मैं कलिंग रेट कम करता हूँ उतनी हीफर कम चाहिए, ये एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि एज एट फर्स्ट कार्विंग, अगेन एज एट फर्स्ट कार्विंग का भी तारीफ है, जितनी ज्यादा एज एट फर्स्ट कार्विंग होती जाएगी 24 मंथ से अबव उतना ही ज्यादा जो है हीफर जो है आपको ज्यादा चाहिए होंगी। यहाँ अगर मैं इसको 25 मंथ कर देता तो मुझे 2 हीफर और चाहिए और यहाँ 20 हीफर्स तकरीबन 18 हीफर्स जो है और चाहिए। तो विद 1 month इंक्रीज वी नीड टू हैव मोर हीफर्स टू एंटर। और अगेन ये 24 मंथ का बेंचमार्क है स्टैंडर्ड। अगर आप इस फार्मूले को अपने हर्ड के हिसाब से आपने रखा हुआ है कि आपने 23 मंथ स्टैंडर्ड रखा हुआ है तो यहाँ इक्वेशन के अंदर इसको 23 मंथ कर दे, तो इसका मतलब ये है कि 24 मंथ पे भी आपको 46 चाहिए, 23 मंथ पे भी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है जो भी आप स्टैंडर्ड रखना चाह रहे हैं, लेकिन इस इक्वेशन में आप जो है ये रख सकते हैं। मैंने यहाँ वापस 24 मंथ पे कर दिया, और अगेन 23 मंथ पे ये 42 हीफर चाहिए। इसी तरह 2000 के हर्ड साइज में तकरीबन हमें 458 हीफर जो है वो रिक्वायर्ड है टू मेंटेन दैट हर्ड ओनली एवरी ईयर इफ वी आर गोइंग टू कट टू आर कलिंग ऑफ 20%। कलिंग होनी कितनी चाहिए, अब ये भी बड़ा एक क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए आप कलिंग कर रहे हैं थर्ड फोर्थ लैक्टेशन वाले एनिमल की जिनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, अगर आप रुके और ला रहे हैं आप हीफर्स को, तो ये बड़ी रैशनलाइज होनी चाहिए। अमेरिका में इधर उधर 35% हर्ड कैम कर देते हैं, उससे प्रोडक्शन यील्ड्स ज्यादा रहती है, मेक सेंस। हमारे यहाँ तकरीबन अगर आप एक एस्टेब्लिश स्टेबल फॉर्म है तो 20% तक है। इसमें नॉन कंप्लीशन ऑफ रेट ऑफ हीफर्स को आप कभी भी इंक्लूड ना करें, इसको हमेशा अलहदा रखें ताकि आपको पता चलता रहे कि आप ये किस बेसिस पे कर रहे हैं। तो अगेन ये आपकी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक
पे, और ये डिसीजंस लेने के लिए आपको मजीद कैलकुलेशंस चाहिए जो आप कर सकते हैं। और अगर इसमें आपको कभी भी कोई हेल्प की जरूरत हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। एनीवे, अब आ जाता है कि भाई मुझे तो इतनी हीपर चाहिए, फॉर्म पैदा कितनी कर रहा होगा यही। अब यही हर्ड साइज है, 200 एनिमल्स है, 2000, और इसमें वेरिएबल क्या है कि कितनी पैदा होंगी, प्रोड्यूस कितनी होंगी। इसमें आप देखे तो फार्मूला क्या है, हर्ड साइज, कार्विंग इंटरवल, परसेंटेज ऑफ हीफर्स कितनी जो है पैदा हुई, यानी फीमेल काफ्स कितने पैदा हुए, हीफर की मोर्टेलिटी आफ्टर 24 आवर्स कितनी थी, और एज एट फर्स्ट कार्विंग क्या थी। इन बेसिस के ऊपर बेसिकली हम कैलकुलेट करते हैं कि बताइए। तो हर्ड साइज 200 एनिमल्स का है, अगर उसका कार्विंग इंटर 13 मंथ है, विच इज फेयरली लो जो मैंने यहाँ लिखा है, ये तकरीबन 13 मल्टीप्लाई बाय 396 डेज बनता है। रियलिटी में अगर मैं बिल्कुल रियल पिक्चर में आऊँ तो पाकिस्तान के हिसाब से तो आई वुड सजेस्ट कि आप अगर ऑल एनिमल्स की कार्विंग ले रहे हैं तो पहली बात तो यही गलत है। इन 200 में से मुझे इसको कुछ करेक्ट कर लेना चाहिए। इन 200 ऊपर वाले 200 एनिमल में से एक्चुअली इट विल बी ग्रेट कि अगर 185 एनिमल्स जो है तो वो फ्रैगमेंट हो जाते हैं, कुछ उसमें से वापस भी जा रहे हैं, और खाली रिप्रोडक्शन की वजह से कलिंग होगी और चीजों की वजह से। तो लेट्स बी रियलिस्टिक विद दीज नंबर्स। आई वुड सजेस्ट कि ये 180 से ज्यादा नहीं ऐड करने चाहिए। ये बिलियन इट इज 1800 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो एनिमल एक्चुअली मैक्सिमम कार्विंग कर जाएंगे, तो ये उस बेस के ऊपर है। क्योंकि तो इसमें यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि टोटल नंबर ऑफ काउस कार्विंग, ये पाकिस्तान में होता, वहां उन्होंने चूंकि अज्यूम किया हुआ ये एनिमल्स वो निकल गए, तो इस हिसाब तो 180 और 180 का 1800 काउस रह गई है। इनका कार्विंग इंटरवल जो है ना वो कम से कम भी ना 420 डेज तो होगा। अगर मैं इसको 3 9 इसको मंथ्स पे डिवाइड करता हूँ, तो ये तकरीबन 14 मंथ बनता है। और अगर इसमें जो एनिमल्स हैं उनका उनके अंदर जो है वो मैक्सिमम हीफर में और मिक्स था अडल्ट में तकरीबन 55% ऑफ काफ फीमेल काफ आई, और काफ मॉर्टेलिटी रेट जो है वो अगेन वही मैंने नॉन कंप्लीशन रेट को इसको इधर कह रहा हूँ ये 10% था, और एज एट फर्स्ट कार्विंग 24 मंथ थी, तो वी कैन हैव 76 हीफर प्रोड्यूस पर ईयर और 764 हीफर प्रोड्यूस पर ईयर इन कॉर्पोरेट फार्म। तो अगर आप डिफरेंस देखें तो 76 माइनस 44 ये 32 बनता है, 305 बनता है, जो हमारे पास सरप्लस एनिमल्स आए हैं, हीफर आए हैं, जिनकी बेस के ऊपर या तो आप अपने हर्ड को ग्रो कर सकते हैं या अपने कलिंग रेट को मॉडिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इंक्रीज को करना चाहूँ, इसको 35% पे ले जाता हूँ, तो ये मुझे 38 हीफर डेफिसिट में आ गई, और यहाँ 32 पे परसेंट कलेक्टिव मैं 30 हीफर्स में ओके हूँ, 30%, 35%, 34%, 33, यानी इस फॉर्म के ऊपर मैं 33% की कलिंग कर सकता हूँ टू मेंटेन द हर्ड साइज, जबकि इस फॉर्म के अंदर भी मैं 32% या 33% तक कलिंग, 34% तक मैं इसकी कलिंग। तो एक काम मैं कर सकता हूँ कि इस शीट की बेस के ऊपर ये कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मुझे कलिंग कितनी की पॉसिबिलिटी है। अगेन इसमें मैं बहुत सारे फैक्टर्स को काउंट करूंगा, आप इसको बड़ी केयरफुली कैलकुलेट करें। मिसाल के तौर पे अक्सर लोग शायद मुझसे डिसएग्री करें और कहें कि ये किताब, लेकिन मैंने जो सर्वे किया था उसके अंदर मीडियम साइज फॉर्म्स के अंदर तो कार्विंग इंटरवल 480 डेज तक था, तो विच मीन्स के यहाँ ये 16 महीने तक चला जाता है, और दिस मीन्स के वी कैन हैव लेस कम रेट्स, और यहाँ मैं जो है तकरीबन मैक्सिमम अमाउंट करेंगे। आई वुड रेकमेंड बेस्ड ऑन अदर फैक्टर्स के ये 25% से ज्यादा की कमी ना करें।
इसी तरह परसेंटेज जो फीमेल काफ्स इन बर्थ सिनेरियोस कुल 50%, और दिस इज पॉसिबल एज वेल। ठीक है, इसी तरह बात हम आपको मिलती है जो है वो ये जो अगला ऊपर वाला वर्ल्ड है ये एक्चुअली 180 एनिमल्स तक आता ही नहीं है, वो मे बी 170 काउस तक आए, फिर ये आपके फैक्टर्स चेंज होते हैं। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल इन प्लेइंग विद दिस वेरिएबल। आपको भी स्टोरी डेटा को प्रॉपरली रियलाइज करते हुए ये कैलकुलेशंस करनी चाहिए, फिर जरूर करनी चाहिए ताकि आप लोग जो है उसकी प्रॉपर कलिंग कर सकें, उन सिस्टम के मुताबिक जो है इन चीजों को चला सके। डेयरी फार्मिंग के अंदर ये वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल चीजें। अगेन ऑर्गेनिक ग्रोथ के हवाले से आप सारी ही फर्स्ट पालते हैं तो वो भी तरीका ठीक नहीं है। मैं आपको एक इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, लेट मी रीसेट ऑल दीज थिंग्स बिफोर डूइंग दैट। मैंने 20% रेंट किया हुआ था, ये जेट फार्मिंग जो है मैंने 20% की भी थी, फार्मिंग इंटरवल भी मैं इस आइडियल नहीं रखूंगा क्योंकि ये आइडियल से है नहीं, फाइनेंशियल डिसीजन है, सो आई शुड बी केयरफुल। अच्छा, इसमें एक चीज आप बड़ी इंटरेस्टिंग देखेंगे, वो ये देखेंगे कि आपको इंटरेस्टिंगली नॉन कंप्लीशन रेट फॉर हीफर्स बड़ा ज्यादा लग रहा होगा, 10% यहाँ भी और 10%। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, बाज दफा ये इस कैलकुलेशन का जो हमें एक सबसे बड़ा फायदा होता है ये होता है कि आप अपने फॉर्म के अंदर ये देख सकते हैं कि भाई मुझे हीफर्स जो है ना वो कितनी एक्चुअली रिटेन करनी है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। बाज दफा आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग फॉर्म के ऊपर अब ये प्रैक्टिस करते हैं टिपिकली कि हम लोग उसका मंथली तो वेट ले रहे होते हैं लेकिन जो उसका लाइफ टाइम ग्रोथ आ रही होती है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हीफर 8 महीने के तो उसकी एवरेज डेली गेन कितना आता है, उसका एक्चुअल वेट जो है 8वें महीने पे उसके ग्लोबल वेट के साथ मैनेज कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं नहीं कर रहा है, इसको देखते हैं और उसकी बेस के ऊपर डिसीजन लेते हैं। और इसमें स्पेशली हीफर्स में मैं हाइट की बेस के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा कि आप डिसीजन लें रादर देन वेट के ऊपर, क्योंकि वेट इज समथिंग जिसको कम होना 6 से 12 महीने में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इट इज नॉट समथिंग वेरी बैड प्रॉब्लम। हाइट में अगर उस एनिमल की हाइट छोटी होगी तो दैट इज गोइंग टू बी एन एनिमल दैट इज नॉट गोइंग टू कम्पीट विद द अदर एनिमल। तो हाइट के साथ जो है ना बैलेंस करते हुए आप उसकी सिलेक्शन करते। तो बहुत सारे फार्मर्स को मैंने देखा कि वो उनके पास 5% ऐसी हिफाज होती है जो उनको फेंक देनी चाहिए थी, या दे शुड बी गेटिंग rid of those animals but they keep retaining that, aur ye throughout the life jo hai na unko non productive karte hain, unki herd ki cost ko badhate hain. To if you want to keep it at 5% this is not a big deal, it doesn't make any sense ki main ye kahun ki non completion rate is involuntarily, ye this is a voluntarily non completion rate also. 5% tak to normally aapki mortality ho jati hai, usse zyada nahi. तो ये एक फैक्टर है जिसको आप इन चीजों की बेस के ऊपर कंप्लीट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ नॉन कंप्लीशन रेट फॉर हीफर अगर 15% कर देता हूँ और यहाँ भी 15% कर देता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे पास लेस एनिमल्स एक्स्ट्रा हीफर्स रह गई हैं, तो बेसिकली 14 यहाँ रह गई हैं, 248 यहाँ रह गई हैं जो मेरे फार्म की ग्रोथ में। अगेन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको 26 के एवरेज पे लिखता हूँ तो उस फार्म के अंदर 350 लीटर मिल्क स्मॉल फार्म के अंदर और बड़े फार्म के अंदर तकरीबन 6.5 टन दूध जो है वो एड हो सकता है अगर वो ऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ मूव कर रहा है based on the addition of number of animals. So with that, मैं आपको ये जो first coming यहाँ change हुई थी तकरीबन 4 टन है, तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ इस lecture के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, अगर आपने इसके references लिए तो ये इसके references हैं जिससे calculations की sheet develop की है और उसको टैली भी किया है मैंने बड़ी तसल्ली से। तो अगर आप लोगों को इस पर कमेंट्स हो तो आप जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।